नाइट नाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिससे हर साल लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कोविड से अभी तक 3.5 मिलियन लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 मिलियन लोग हर साल सिर्फ डायबिटीज से मर जाते हैं। सिगरेट या टोबैको के पैकेट पर आपने टैग देखा होगा जिस पर लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या आपने कभी गुलाब जामुन के डब्बे पर यह चेतावनी लिखी देखी है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? नहीं। मैंने आपसे जो कुछ बातें की वो किसी साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर नहीं है, ये तो बस आंकड़ों के जरिए बताया है, लेकिन इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। यही है नैरेटिव का खेल, यही है शब्दों की जादूगरी। दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ वर्ड्स। आज का प्रोग्राम इसी पर है कि कैसे भारत में बीते दिनों जो कुछ घटनाएं हुई हैं वो कैसे ये एहसास कराती हैं कि जो कुछ हमने देखा वो कैसा दिखता है, और जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे कलेक्टर बनने के बाद लात घूंसे चलाने का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है भैया। फिर बात करेंगे इस स्टडी पर कि क्या सच में सिगरेट पीने से कोरोना का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि क्या कोर्ट भी अब अपनी लिमिट भूलने लगे हैं, और इसके बाद क्या कोरोना के केस इसलिए कम नजर आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हुई है। क्या प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना एक नया चलन हो चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे इन दो मानवों की जो आपको बाजू में दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये दोनों ही शख्स गैर इरादतन रूप से सोशल मीडिया पर छाए रहे। दोनों ही व्यक्तियों को लोगों ने अपने अपने ढंग से नैतिकता का पाठ पढ़ाया। पहले व्यक्ति का नाम है शैलेश यादव। ये साहब त्रिपुरा के डीएम थे, शादी में घुस गए, दूल्हा दुल्हन के परिजनों के साथ बदतमीजी की, परमिशन लेटर को फाड़ दिया, अंदर घुस गए, पंडित को थप्पड़ मारा, दुल्हन के सामने दूल्हे के साथ अभद्रता की। गुनाह ये था कि शादी के लिए परमिशन का जो समय था उससे आधा या एक घंटा ऊपर हो चुका था। 50 लोगों के आसपास वहां संख्या भी थी, तो कोविड के नियमों का पालन करवाने के लिए ये साहब खुद 50 लोगों की फौज लेकर पहुंचे थे और खुद सरकारी गुंडई का प्रदर्शन जमकर किया। जरा सोचिए, यही सब काम कोई आम आदमी कर देता किसी शादी में तो उसके ऊपर लगने वाली धाराओं का सैलाब टूट जाता। इसके बाद बात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कल तक कलेक्टर रहे रणवीर शर्मा की। यह व्यक्ति पहले भी घूसखोरी के मामले में आरोपी रहा है, इसके बाद भी यहां कलेक्टर के रूप में बैठाया गया। इस व्यक्ति ने एक युवक को पहले तो फोन तोड़ा, फिर जोरदार तमाचा जड़ दिया। फोन तोड़ने से लेकर तमाचा जड़ने के बीच उसकी अकड़ को, उसके रौब को सहारा दे रहा था अंग्रेजों के जमाने का वो बाबा साहब वाला कानून। वो बाबू साहब वाला जो रवैया है वो बड़ा सहारा दे रहा। बाद में कार्रवाई हुई और हटा दिए गए। ये सभी आईएएस का आप मॉक इंटरव्यू देखिएगा, जिन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की होगी तो जरूर देखा होगा। वहां समाज का उत्थान, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार, एम्पैथी, कंपैशन जैसे सवाल दिखाई देते हैं, और जवाब में भी हम जनता का दर्द महसूस करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और उनकी हर परेशानी का निस्तारण करेंगे, मानवीय मूल्यों की रक्षा करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे जवाब सुनाई देते हैं। और मानक पास करते ही, अधिकारी बनते ही ये सब भूल जाते हैं। आईएएस एसोसिएशन ने भी इस घटना को लेकर निंदा की है और इस व्यक्ति रणवीर शर्मा से किनारा कर लिया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि रणवीर शर्मा पर भी केस होना चाहिए था, इस्तीफा लिया जाना चाहिए था? 2015 में घूसखोरी में आरोपी, अब ये कांड, अब अगर ये किसी और जिले में जाएगा तो क्या करेगा राम जाने। ये घटना तो रिकॉर्ड हो गई, बाकी दिन भर में नौकरशाह जनता का कैसे मखौल उड़ाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। दुख है कि जनता पर एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ इनका वार। नेताओं को तो फिर भी जनता के समक्ष पेश होना ही होता है, इन पर तो जांच भी वही करते हैं जो साथ के अधिकारी होते हैं, इन पर लगाम लगाने की अति आवश्यकता है। अब बात रिसर्च और स्टडी की, क्या सच में हर वो खबर जिसके आगे लिखा हो फलाना स्टडी से ये पता लगा है, फलाना रिसर्च से ये पता लगा है, हमको मान लेनी चाहिए? स्टडी या रिसर्च का मानक क्या है? स्टडी में समय, एनर्जी और पैसा लगता है तो इन्हें स्पॉन्सर कौन करता है? ये स्टडी किन लोगों पर की जाती है? इन स्टडी से दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है? इन स्टडी को कौन करवाता है? कभी सोचा है ये सब? दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग स्मोकिंग की वजह से मर जाते हैं, और सभी को पता है कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे कैंसर होता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने का आलम यह है कि सिगरेट के पैकेट पर ही यह चेतावनी दी गई होती है। लेकिन बीते साल आई कोरोना ने कई सवाल खड़े कर दिए। रेस्पिरेटरी से होने वाली समस्याओं के चलते लोग भी स्मोकिंग को लेकर ज्यादा घबराने लगे। इसको देखते हुए कुछ स्टडी करवाई गई और यह बताया गया कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से कम खतरा है।
स्मोकिंग करने वालों में कोरोना के सिम्टम जो है वो कम नजर आते हैं और इन लोगों में हॉस्पिटलाइज होने की खबरें भी कम हैं। तो क्या ऐसे में इनडायरेक्टली ये ना समझा जाए कि स्मोकिंग एक क्योर है कोरोना वायरस का, स्मोकिंग एक दवाई की तरह है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? लेकिन वे ये स्टडी कितनी सही है ये कौन बताएगा? क्या मीडिया का काम सिर्फ ये है कि किसी भी स्टडी को कोट करके लोगों के बीच जानकारी फैला दी जाए? अंग्रेजी नाम की स्टडी और वैज्ञानिकों के विदेशी नाम सुनकर आज भी लोग इस पर जल्द ही आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि स्टडी और रिसर्च में बहुत समय, मेहनत, एनर्जी और पैसा लगता है। तो ऐसे में इनको स्पॉन्सर कौन करता है ये भी देखना अहम होगा। स्टडी वायस रहती है हमेशा, ये भी एक सच है। ध्यान रखिए, स्मोकर्स में इन्फ्लुएंजा होने का खतरा 5 गुना ज्यादा होता है, निमोनिया होने का खतरा 2 गुना ज्यादा होता है। ये दोनों ही लंग्स की बीमारियां हैं जैसे कि कोविड है। तो ये खतरे को बढ़ाने के बजाय कम कैसे कर रहे हैं, ये सवाल है। चलिए, स्मोकिंग को कोरोना में फायदा बताने वाली इन स्टडी का आज पोस्टमार्टम करते हैं। तो समझिए, ऐसी स्टडी करने वाली एजेंसियों को टोबैको कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं और WHO ने भी सख्त हिदायत दी है कि ऐसी स्टडी के झांसे में बिल्कुल ना आए। टोबैको से खतरा होता है और यह सभी को पता होना चाहिए। हाल ही में यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल ने एक आर्टिकल को अपने जर्नल से एक स्टडी को यह कहते हुए हटा दिया कि स्टडी में शामिल 5 में से 2 लोगों के टोबैको कंपनी से फाइनेंशियल टाइज हैं और उन्होंने इस जानकारी को पहले छिपाया था। टोबैको इंडस्ट्री $932 बिलियन की इंडस्ट्री है और 2018 में अकेले US में इस इंडस्ट्री ने मार्केटिंग के लिए $9 बिलियन खर्च किए थे, मतलब $1 मिलियन प्रति घंटा। अब पूरा खेल समझिए, टोबैको इंडस्ट्री अपने हिसाब से मार्केट में वक्त पड़ने पर नैरेटिव सेट करवाती है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के जरिए हो या स्टडी के जरिए। डेली मेल की इस हेडलाइन में बताया गया है कि 28 स्टडी बताती हैं कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना से कम खतरा है और इन 28 स्टडीज में से 22 स्टडी चाइना में करवाई गई और बाकी 3 अमेरिका में। चाइना को समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसर है, दुनिया का सबसे बड़ा टोबैको कंज्यूमर है। 2018 में चाइना में इस इंडस्ट्री ने $929 बिलियन कमाए थे। अब बात अमेरिका की करते हैं क्योंकि 3 स्टडीज यहां की थी। यहां पर भी उनमें से 3 स्टडीज जो करवाई गई थी स्मोकिंग के पक्ष में थी। तो देखिए, फिलिप मॉरिस का गढ़ है अमेरिका। फिलिप मॉरिस दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी में से एक है। फिलिप मॉरिस का इतिहास बहुत कुछ साफ करता है। 1970 में इस कंपनी ने जर्मनी के एक रिसर्च लैब को ही खरीद लिया था। 1972 में स्मोकिंग को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन चलाया। फिलिप मॉरिस स्टडीज और रिसर्च को भी स्पॉन्सर करती है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, इसी को साइंस मैनिपुलेशन कहते हैं। ये सिर्फ टोबैको इंडस्ट्री के साथ नहीं है। ऐसी स्टडी के जरिए पहले कोको कोला कंपनी ने भी ये बताने की कोशिश की थी कि सॉफ्ट ड्रिंक कम करने से कुछ नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटीज करने से होता है ताकि इनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स धड़ल्ले से बिक सके। अल्कोहल इंडस्ट्री ने भी एक स्टडी के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि रेड वाइन पीने से हार्ट प्रॉब्लम में आराम मिलता है, चेहरे में निखार आता है। इसके साथ ही इस तरह की स्टडी के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह या कुछ सैकड़ों या हज़ार लोगों के ऊपर किए जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी स्टडी में जहाँ एक जगह के लोगों, एक तरह की उम्र के लोगों, एक जेंडर के लोगों पर की गई स्टडी ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका में डिप्रेशन पर की गई स्टडी भूटान या नॉर्थ कोरिया के ऊपर लागू नहीं की जा सकती। कैसे लागू हो सकती, नहीं हो सकती। अब अपने अगले मुद्दे पर आते हैं जो कि थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल भी है, लेकिन आज रात इस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्या कोर्ट कुछ मुद्दों पर अपनी लिमिट क्रॉस करने लगे? एक कोर्ट ने कोरोना से होने वाली मौतों को नरसंहार कहा है। एक कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर मर्डर का केस होना चाहिए। एक कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए मेडिकल व्यवस्थाओं को राम भरोसे बताया है। क्या ऐसे वक्त में जब एक महामारी की जद में है, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या कोर्ट का ये काम है? इस तरह की भाषा जो कि रिकॉर्ड में है और का इस्तेमाल करना कहां तक ठीक है? क्या ये बात सीमित दायरों में नहीं कही जा सकती? क्या कोर्ट की भाषा राजनीतिक पार्टियों की भाषा से कुछ अलग लगती है? नहीं, कोर्ट का काम है लॉ ऑफ लैंड को बरकरार रखना, एक चेक और बैलेंस स्थापित करना, ना कि हेडलाइन में छपने वाली टिप्पणियां करना। बात यहीं तक नहीं रहती तो भी ठीक था, लेकिन 12 मई को एक भारतीय कोर्ट ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। इस कोर्ट ने एक कपल को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और ये कपल लिव इन में रह रहा था। कोर्ट ने कहा, और मैं कोट करता हूं, अगर हम इस तरह की सुरक्षा देते हैं तो पूरे सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करते हैं। अब कोर्ट की इस टिप्पणी पर सवाल बनता है कि कोर्ट का काम क्या मोरल पुलिसिंग का है? जी नहीं। कोर्ट का काम क्या यह तय करना है कि मोरल रूप से आप ठीक हैं या नहीं? जी नहीं। क्या कोर्ट का काम यह तय करना है कि क्या सामाजिक रूप से ठीक है? जी नहीं।
कोर्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत काम करना, और कानून कहता है कि हर व्यक्ति को जिंदगी जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 इस बात की इजाजत देता है, और भारत का कोई भी कोर्ट इससे ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो कोर्ट के जज को पर्सनल लेवल पर मोरली करेक्ट लगे या ना लगे। कोर्ट को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, ये कोर्ट का काम है। कोई भी कोर्ट इससे इंकार नहीं कर सकती, लेकिन पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल को लेकर जो कहा, और मैं उसको कोट करके बताता हूं पूरी बात। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पेटिशनर्स इन द गार्ब ऑफ फाइलिंग द प्रेजेंट पेटिशन आर सीकिंग सील ऑफ अप्रूवल ऑन देयर लिव इन रिलेशनशिप विच इज मोरली एंड सोशली नॉट एक्सेप्टेबल। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोर्ट कह रहा है कि लिव इन में रहने वाले कपल सुरक्षा के नाम पर साथ रहने की सहमति मांग रहे हैं, जो कि मोरली और सोशली ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बेहुदा है। बताता चलूं कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, मोरल और सोशल वैल्यूज ढूंढना कानून का काम नहीं है, कोर्ट का काम बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट का काम है कानून के तहत काम करना, कानून को लागू करवाना। कोर्ट को अंधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। भारत में अफवाहों का दौर हमेशा से ही गुलाबी रहा है। यहाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के पहले से भी अफवाह फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी ने काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। भारत में दूसरी लहर ने जितना कोहराम मचाया हुआ है उससे हर कोई वाकिफ है। पत्रकार भी संकट में है कि अगर खबर दिखाता है तो लोग कहते हैं डर मत फैलाओ, खबर नहीं दिखाता है तो कहते हैं गोदी मीडिया हो, और जब पत्रकार अपनी जान पर खेलकर अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे होते हैं तो कोई भी कीबोर्ड वॉरियर ऐसी वाहियात टिप्पणी कर चादर उड़ सो जाता है, आप उसको समझिएगा। खैर, आजकल एक बात तेजी से उठ रही है कि केस कम इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है, ऐसा नहीं। समझिए, मौत और संक्रमितों के आंकड़े हमेशा सरकार के आंकड़ों से 5 से 10 गुना ज्यादा रहते हैं। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हर दूसरे मुल्क की बात है, हर दूसरे मुल्क का यही हाल है। खैर, बड़ी आसान भाषा में समझिए, जब संक्रमित ज्यादा होते हैं, लोगों में सिम्टम ज्यादा दिखते हैं तो वो खुद ही टेस्ट कराने जाता है, बाकी जब सिम्टम नहीं होते तो लोग खुद ही नहीं जाते। जनवरी फरवरी में लोगों ने वैक्सीन लगाना भी जरूरी नहीं समझा था, घर के बाहर टेस्ट करने वाला आता था तो भी नहीं कराते थे। तो सच को यहाँ प्रमाण की खास जरूरत है नहीं, केस सच में गिर रहे हैं, इसकी गवाही अस्पताल में कम होती मरीजों की संख्या, शमशानों पर कम आते शव, और अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए कम जाते लोग गवाही खुद देते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम के सबसे अहम टॉपिक पर। आखिर सीरिया, लीबिया, फिलिस्तीन और हमारे कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट या हमलों के बीच घायल हुए बच्चों की तस्वीरों को पोस्टर बनाना चलन क्यों हो चला है? मिसाइल, गोला, बारूद, बंदूकों से भी बड़ा हथियार इन मासूमों को बनाया जा रहा है। जंग में घायल हुए इन बच्चों का इस्तेमाल करने का चलन बन चुका है। हमारे कश्मीर में कुछ आतंकवादी अशांति फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, उन्होंने हमला करते वक्त कभी नहीं सोचा कि सेना का भी परिवार होता है, लेकिन हमलों में बच्चों के घायल होते ही उन्हें पोस्टर बना दिया जाता है। ऐसा ही सीरिया में भी देखा गया, और अब फिलिस्तीन से इस तरह के बच्चों को पोस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि यह सहानुभूति हासिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या कभी इन बच्चों से इसकी इजाजत ली गई है? बच्चे राजनीति और इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन जंगी राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा के लिए किया जाता है, ये नैरेटिव वॉर के लिए किया जाता है। जैसे इसराइल कहता है कि हमास जंग में खुद को बचाने के लिए बच्चों को आगे करता है, उनको शील्ड की तरह यूज़ करता है। हमास बाद में घायल बच्चों की तस्वीरें दिखाते हुए पूरी दुनिया से कहता है कि देखिए भाई ये क्या कुछ हो रहा है, लोगों को चाहिए कि बच्चों को इस खतरनाक ट्रेंड से बचाएं। लेकिन कुछ लोग इसके उलट काम करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं, और ऐसा पहले भी हुआ है। 2016 में एक तस्वीर खूब चर्चा में रही जिसमें उमरान दकनीश, एक छोटा सा मासूम बच्चा, बारूद से लिपटा हुआ, उसकी तस्वीर को लोगों ने अपने फायदे के लिए खूब इस्तेमाल किया। उमरान के इस हाल के लिए रशियन एयर स्ट्राइक को जिम्मेदार बताया गया और बच्चे को रशियन रेजिस्टेंस का पोस्टर बॉय बना दिया गया। लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकली। उमरान अब पहले से बड़ा हो चुका है, स्वस्थ है, और उमरान उसी टेरिटरी में रहता है। उमरान के पिता हमेशा से प्रो गवर्नमेंट थे, उनका कहना है कि उनके बच्चे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, बिना उनकी रजामंदी के उसको पोस्टर बॉय बना दिया गया। दूसरी तरफ एक और बच्चा अलान कुर्दी, सीरिया में जंगी हालातों के बीच परिवार उसको लेकर यूरोप जा रहा था, पानी में नाव डूब गई और बच्चे की मौत हो गई, बच्चा वहां से बहते हुए किनारे आ गया, बच्चे की तस्वीर का खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्यों? एक बच्चे की तस्वीर को इस तरह से इंटरनेट पर फैला देना सिर्फ इसलिए कि आप विक्टिम कार्ड खुलकर खेल सके,
याद रखिए, इन बच्चों की तस्वीरों को फ्रंट में जंग कर रहे लोग ही हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर जंगी त्रासदी का कोई चेहरा हो सकता है तो यह मासूम तो बिल्कुल भी नहीं। इनका इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए करना खुद भी एक त्रासदी है। इन जंगी त्रासदियों का अगर कोई चेहरा हो सकता है तो सिर्फ वो लीडर जिनकी जिद ने ये वक्त लाया, वो आतंकी जिनके पागलपन ने लोगों को इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। वक्त है, समझ जाइए, लौट जाइए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।